कई सवालों में फिर से उलझ गया इसरो। कैसे पार लगेगी नैया? आखिर क्यों प्रज्ञान रोवर अचानक चांद पर खोदने लगा है गड्ढा? क्या मिलने वाला है कोई अचूक खजाना? इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर में क्यों लगाए हैं बंदूक? क्या एलियन से है खतरा? क्यों यही है इसरो की परेशानी की असली जड़? चंद्रयान 3 में नासा के हथियारों ने हिलाकर रख दी दुनिया। बहती गंगा में नासा ने भी हाथ धो लिए। चर्चिल के चमचों के मुंह में भारत ने घुसेड़ दिया चंद्रयान 3 का पेलोड। बेमौत मारा जाएगा नफरती ब्रिटिश मीडिया। दोस्तों, 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत के 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ चुका था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया कि विश्व गुरु भारत की जीत हुई है। मून मिशन की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन इसरो को नई परेशानी सताने लगी है। जब देश में इतनी बड़ी खुशी मनाई जा रही हो, पूरी दुनिया भारत के संग खुशी मना रही है, तो सवाल भी खड़े होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रयान के चांद पर उतरते ही शुरू हो गई इसरो की धुकधुकी। क्यों फिर परेशान हुआ इसरो? आखिर क्यों प्रज्ञान रोवर अचानक चांद पर गड्ढा खोदने लगा है? क्या मिलने वाला है कोई अचूक खजाना? इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर में बंदूक क्यों लगाई है? क्या एलियन से था खतरा या फिर कोई और माजरा? आखिर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अचानक अमेरिका चांद पर क्यों फूंकने जा रहा है $93 बिलियन? क्या बिना इसरो की मदद के नासा चांद पर कॉलोनी बना पाएगा? यह सब इतने गंभीर सवाल है जिनके बारे में सोचकर अब सबकी सांसें अटकी हुई है। जवाब देंगे इस बड़े मिशन के सबसे बड़े सवालों को, जानेंगे सब के बारे में विस्तार से। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खबर देख लेते हैं जो चंद्रयान से जुड़ी हुई है, और इसके साथ एक छोटी सी सीख भी है। वो कहते हैं ना, आपकी कामयाबी कितनी बड़ी है अगर ये जानना है तो दुश्मन की तड़प देखकर पता लगाया जा सकता है। अमेरिका, चीन या पाकिस्तान तो होंगे भारत के बड़े दुश्मन, लेकिन असल मायने में भारत का असल दुश्मन तो ब्रिटेन ही है। ये हमें मान लेना होगा। पूरे 200 सालों तक भारत को लूटने खसोटने के बाद आज ब्रिटेन की आह निकल रही है। ब्रिटेन तड़प उठा है, उसकी ये तड़प सबसे ज्यादा है और साफ साफ बता रही है कि यही है भारत का दुश्मन। हमारी सफलता में तो चीन ने भी थोड़ी बहुत खुशी मनाई, लेकिन जो मातम आज ब्रिटेन में पसरा है उससे हर एक भारतीय की नींद उड़ जानी चाहिए। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता देखकर क्यों अंग्रेजों के बम में आग लग चुकी है। भारत का $45 ट्रिलियन लूटने के बाद भी आज तक स्पेस में एक भी सैटेलाइट क्यों नहीं भेज पाया ब्रिटेन? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारत को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसको विश्व के विभिन्न देशों से आर्थिक मदद मिलती रही है। अपने यहां जो गरीबी है, भारत उसको भूलकर इस कामयाबी के जश्न में डूबा है। मामले ने तुल उस वक्त पकड़ा जब जीबी न्यूज के एक एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने बुधवार को अपने शो में कहा कि साल 2016 से लेकर 2021 के बीच भारत को ब्रिटेन से $2.3 अरब का सहयोग मिला है। पैट्रिक ने सवाल उठाया कि अगर भारत खुद ही ऐसे मिशन को कर सकता है तो फिर उसको अन्य देशों से मदद लेने की जरूरत क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई मदद वदद नहीं है जो ये देश दे रहे हैं, बल्कि ये जो अपनी मशीनरियां भारत में चला रहे हैं जहर फैलाने के लिए, इनको फंड कर रहे हैं। और जब इनका पैसा इनके देश में बढ़ नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये अपना पैसा भारत में लगा रहे हैं ताकि उसको बढ़ा सकें। ब्रिटिश मीडिया के ऐसे कमेंट्स के बाद भारतीयों ने उसे आईना दिखा दिया। यूजर्स ने कहा कि ब्रिटेन को $446 ट्रिलियन में से $2.3 बिलियन की राशि काटकर बाकी का बचा हुआ पैसा लौटा देना चाहिए। वो बात तो दूसरी है कि इस बयान के बाद भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर पटक पटक कर इस मीडिया पर्सन और ब्रिटेन की जान मार ली। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि ब्रिटेन के इस व्यवहार से हमें क्या सबक लेना चाहिए, और आगे बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर। चलिए दोस्तों, अब इन पापियों को छोड़कर आ जाते हैं अपनी विजय पर, भारत की विजय पर। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको भारत के चंद्र मिशन के सबसे बड़े सवालों के जवाब में। आखिर किस लिए अब इसरो है परेशान? क्या अब आ चुकी है नई समस्या? देखिए दोस्तों, वीडियो में आप सबने देखा होगा कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी अब अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, और यहीं से शुरू होती है इसरो की चिंता। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा।
प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डाटा को देखे और एनालिसिस कर पाए। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है। आधी लड़ाई अभी बची है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डाटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाले विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। चूंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन हैं, यह चांद का एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डाटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, बल्कि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डाटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे, उसके बाद विक्रम ही सारा डाटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं, यानी 2 मशीनें हैं। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहे के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। इसको हम बंदूक भी बोल सकते हैं, जिससे पार्टिकल्स चांद की सतह पर ब्लास्ट किए जाएंगे। और हमारे विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। पहला रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा चेस्ट पेलोड्स, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। यही डिवाइस चांद पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म करके चांद पर हीट के इफेक्ट को स्टडी करेगा। तीसरा इल्सा पेलोड, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे पेलोड्स, चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। ये नासा का यंत्र है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।